क्या आप भी एक रुपए वाले सबसे सस्ते शेयर खरीदना चाहते हैं? तो फंडामेंटल मजबूत शेयर हो, डेब्ट फ्री कंपनी हो, आरओई अच्छा हो और भविष्य में अच्छे रिटर्न्स मिले, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही रहने वाला है। आज हम आपको एक रुपए के अंदर पांच ऐसे पैनी स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए शेयर मार्केट से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर आते रहते हैं। नंबर एक, बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप आने वाले समय के लिए अपने पैसे को डबल करने के लिए यदि किसी पैनी स्टॉक को खरीदने की सोच रहे हैं, बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का शेयर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस कंपनी के शेयर का वर्तमान 0.51 रुपए है। वही इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो 33.28 करोड़ का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंपनी पर किसी भी तरीके का डेब्ट नहीं है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। नंबर दो, खूबसूरत लिमिटेड। खूबसूरत लिमिटेड कपड़ा बनाने का काम करती है। कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू 4 करोड़ है। कंपनी के एक शेयर की कीमत BSE बाजार में आज 0.38 रुपए है और NSE बाजार में अभी तक ये कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। कंपनी की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 0.64 करोड़ रुपए है। के आसपास रही थी। कंपनी का शुद्ध लाभ 0.035 करोड़ रुपए। खूबसूरत लिमिटेड ने चालू वर्ष में -0.012 करोड़ रुपए टैक्स का भुगतान किया है। इन सभी चीजों को देखने के बाद आप पूरी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी आपके पैसों को कहीं ना कहीं बढ़ाने में जरूर मदद करेगी। नंबर तीन, पजल इंटरनेशनल लिमिटेड। पजल इंटरनेशनल ट्रेडिंग और वितरण क्षेत्र की कंपनी मानी जाती है। यदि कंपनी के एक शेयर की कीमत BSE बाजार में आज 0.37 है तो कंपनी की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 2.306 करोड़ रुपए रही तथा कुल बिक्री 1.335 करोड़ रुपए रही है। कंपनी का शुद्ध लाभ 0.571 करोड़ रुपए बताया गया। पजल इंटरनेशनल ने चालू वर्ष में -0.144 करोड़ रुपए टैक्स का भुगतान किया है। नंबर चार, रामचंद्रा लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड। रामचंद्रा लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा क्षेत्र में सक्रिय साल 2093 से है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 3 करोड़ रुपए है। कंपनी के एक शेयर की कीमत BSE बाजार में आज 0.65 है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 0.552 करोड़ रुपए रही तथा कुल बिक्री 0.528 करोड़ रुपए रही है। कंपनी का शुद्ध लाभ 0.063 करोड़ रुपए रहा। रामचंद्रा लीजिंग फाइनेंस ने चालू वर्ष में -0.021 करोड़ रुपए टैक्स भरने को लेकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने कोई भी 1 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए वाला पैनी स्टॉक खरीदा हुआ है जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि फंडामेंटली मजबूत शेयर है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि अन्य लोगों को भी ऐसे मजबूत शेयर के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।